ओला घोटाले पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़ी बीजेपी, कहा मनमोहन सिंह के कुर्सी से हटे बिना नहीं चलने देंगे संसद। कांग्रेस ने बीजेपी के हंगामे को बताया लोकतंत्र का मजाक, नेता बोले क्यों नहीं होने दे रहे चर्चा। कांग्रेस ने सीएजी रिपोर्ट पर खड़े किए सवाल, दिग्विजय सिंह बोले घोटाले की बात में कोई सच्चाई नहीं। बीजेपी को मुलायम की मुहिम पर संदेह, कहा सदन के भीतर अच्छा रिश्ता दिखाने वाले बाहर कैसे बन सकते हैं सरकार विरोधी। केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय ने इस्तीफे से किया इनकार, कहा किस बात का इस्तीफा, देश में कई विवाद हैं। पीएमओ सूत्रों के मुताबिक सुबोध कांत साय के भाई सुधीर कांत साय के एसकेएस पाथ से रिश्ते की नहीं थी जानकारी, एसकेएस पाथ को आवंटित हुआ था कोल ब्लॉक। सीपीआई महासचिव प्रकाश करात ने प्रधानमंत्री और कैबिनेट पर साधा निशाना, कहा बेशर्मी दिखा रही है सरकार। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने चिदम्बरम पर लगाया आरोप, कहा गृह मंत्री रहते हुए मेरे और परिवार का फोन कराया था टैप। बाबा रामदेव आज कर सकते हैं अपनी रणनीति का ऐलान, कालाधन वापस लाने के लिए चला रहे हैं मुहिम। राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द किया 2008 में हुआ नाथ द्वारा चुनाव, केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी की याचिका पर आया फैसला। 2008 में एक वोट से चुनाव हार गए थे सीपी जोशी, चुनाव नतीजे के खिलाफ अदालत में दायर की थी याचिका। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पीएम को लिखी चिट्ठी, पावर प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर कार्रवाई की अपील की। पाक कलाकारों को लेकर आशा के रुख पर नरम पड़ी शिवसेना, उद्धव बोले आशा भोसले को बेवजह विवाद में घसीटना ठीक नहीं। किरण बेदी से मिले अरविंद केजरीवाल, कोयला घोटाले में बीजेपी को घेरने के मुद्दे पर दोनों में हुई बातचीत। मुलाकात के बाद किरण बेदी ने कहा हम दोनों की हुई बातचीत, लेकिन रालेगढ़ में अन्ना से मिलने के बाद फैसला बताऊंगी। अरविंद केजरीवाल ने माना दोनों के बीच है मतभेद, अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं किरण के रुख से सहमत नहीं। अरविंद केजरीवाल का किरण बेदी पर निशाना, कहा किरण बेदी कोयला घोटाले पर बीजेपी को घेरने के पक्ष में नहीं। किरण बेदी ने कहा सिर्फ सत्ता में बैठी पार्टी का विरोध करना जरूरी, सबसे लड़ाई मोल लेने से आंदोलन भटक जाएगा। शिवसेना नेता कमलाकर की हत्या में गबली को उम्र कैद, मुंबई पुलिस ने फैसले का किया स्वागत, कहा सजा सभी गुनहगारों के लिए सबक। मुंबई पुलिस ने कहा गबली के खिलाफ थे 48 मामले और उसके लिए मांगी थी सजाए मौत, अब सरकारी वकील से बात करके तय करेंगे आगे की रणनीति। गबली की सजा से मारे गए शिवसेना नेता कमलाकर के परिवार वालों को संतोष, कहा 4 साल बाद मिला न्याय, कोर्ट पर था पूरा भरोसा। इंदौर में सीएम के इशारे पर सिंघम बनने की कोशिश में पुलिस, छुट भैये गुंडों की शामत, सरेआम हो रही है धुनाई। संघ और बीजेपी में तनातनी के बाद सीएम ने दी थी गुंडों पर लगाम लगाने की हिदायत, नियम ताक पर रखकर पुलिस कर रही है कार्रवाई। यूपी में सामने आया पंचायत का बदनुमा चेहरा, बलात्कार पीड़ित नाबालिग को स्कूल से निकलवाया, दूसरे बच्चों के बिगड़ने की जताई आशंका। 12 साल की लड़की से अप्रैल में हुआ था गैंगरेप, 4 आरोपी हुए थे गिरफ्तार, गांव वालों ने लड़की के स्कूल लौटने का किया था विरोध। पुलिस और जिलाधिकारी की पंचायत को समझाने की कोशिश हुई नाकाम, बीएसपी ने सरकार पर लगाया खराब कानून व्यवस्था का आरोप, कड़ी कार्रवाई की मांग की। भोपाल में गहने की दुकान से लाखों का माल चोरी, 3 महिलाओं पर चोरी का आरोप, बुर्का पहनकर दुकान में घुसी थी महिलाएं, गहने के डिब्बे पर हाथ साफ किया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। प्रेमिका से बलात्कार के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार, धोखे से दिल्ली के बुद्धा गार्डन में बुलाकर किया बलात्कार, लड़की का दावा बलात्कार से पहले जान से मारने की दी थी धमकी, इंस्टीट्यूट में आकर की थी बदसलूकी। फेसबुक पर अनजान लड़के से दोस्ती कर मुश्किल में फंसी लड़की, दूरी बनाने की कोशिश की तो लड़के ने दी तेजाब फेंकने की धमकी।
पहले फर्जी नाम और तस्वीर के जरिए लड़की से की दोस्ती, भांडा फूटने के बाद लड़की को करने लगा परेशान, शादी के लिए डालता था दबाव। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लड़की का फर्जी अकाउंट खोल डाला, मोबाइल नंबर अश्लील कॉल से परेशान थी लड़की, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। रायपुर में अस्पताल कर्मचारियों की घिनौनी करतूत, गर्भवती महिला का बनाया एमएमएस, मोबाइल से बनाया प्रसव के दौरान का वीडियो, परिवार के मना करने पर भी नहीं माने कर्मचारी। अस्पताल कर्मचारियों के खिलाफ जांच, एमएमएस बनाने के आरोप में एक डॉक्टर समेत सात सस्पेंड। बीती रात दिल्ली के निजामुद्दीन में एक महिला पर कातिलाना हमला, घर के बाहर मारी गई गोली, महिला की हालत गंभीर। 9:30 बजे रुकैया बेगम पर हुआ हमला, तीन लड़कों ने मारी गोली, इलाके की प्रधान है रुकैया, सियासी रंजिश का शक। दिल्ली में दिन दहाड़े अधेड़ महिला का कत्ल, गीता कॉलोनी में घर में घुसकर अकेली महिला की हत्या की। पुलिस को शक, लूटपाट के इरादे से की गई हत्या, हाथ पांव बंधे थे और गले में चुन्नी फंसी थी, बेटी ने सबसे पहले देखी लाश। घर से गायब है लाखों का कीमती सामान, लुटेरों का अब तक नहीं लगा कोई सुराग, पुलिस जांच में जुटी। मुंबई में फिर हो सकता है गैंग वॉर, दो लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जताया शक। पकड़े गए लोगों के पास से मिले 6 लाख रुपए के हथियार और कारतूस, बिहार से लाए गए थे 9 mm कार्बाइन और कारतूस। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मॉल की तीसरी मंजिल से कूदकर लड़के ने की खुदकुशी की कोशिश, हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। मॉल से कूदने वाले लड़के की उम्र है 21 साल, सीए का है छात्र, हादसे के वक्त साथ में थी एक लड़की, कहासुनी के बाद मॉल से कूदा। दिल्ली में बेखौफ कार चोरों की करतूत, 7 मिनट में विकासपुरी से उड़ा ले गए वरना कार का शीशा काटकर पहले घुसा एक चोर, फिर दरवाजा खोल अपने दो साथियों को भी अंदर बुलाया, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी चोरी। चोरों के सामने बोने साबित हुए कार के सुरक्षा उपकरण, गियर लॉक तोड़कर चुराई कार, पुलिस जांच में जुटी। कन्नौज में गंगा नदी उफान पर बाढ़ में बहे कई जानवर, आसपास के गांव के लोगों का पलायन। एडमिरल देवेंद्र जोशी ने संभाली इंडियन नेवी की कमान, एडमिरल निर्मल वर्मा के रिटायरमेंट के बाद बने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। गुजरात के जामनगर में हेलीकॉप्टर हादसे के मौके का वायुसेना अध्यक्ष एनके गांव ने लिया जायजा, जवानों को दिया हौसला। जामनगर में गुरुवार को आसमान में एयरफोर्स के दो हेलीकॉप्टर्स की हुई थी टक्कर, हादसे में मारे गए थे 9 एयरफोर्स कर्मी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव से पहले विरोध प्रदर्शन, छात्रों की मांग को लेकर स्टूडेंट पार्टियों ने खोला मोर्चा। हैंडसेट और मोबाइल टावर से होने वाले रेडिएशन को लेकर सख्त हुई सरकार, रेडिएशन कम करने के लिए आज से नए नियम लागू। मोबाइल निर्माताओं को अब सेट के साथ रेडिएशन पर उपभोक्ताओं को देनी होगी बुकलेट, एहतियात बरतने के बारे में होगी पूरी जानकारी। तहसीमा से ज्यादा रेडिएशन पाए जाने पर मोबाइल टावर पर लगेगा 5 लाख रुपए का जुर्माना, लेवल चेक करने की होगी जांच। हवाई जहाज से ईंधन हुआ महंगा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत में करीब 8% की बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में आज से शुरू होगा बुक फेयर, देश विदेश के 230 पब्लिशर लेंगे हिस्सा, लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजेंद्र खन्ना करेंगे उद्घाटन। वसंत अली स्कूल के ड्रामा फेस्टिवल के आखिरी दिन बच्चों ने दिखाया हुनर, कई मुद्दों पर किया नाटकों का मंचन। नाटकों में बच्चों ने अदाकारी से बांधा समा, नाटकों की कहानियां भी खुद बच्चों ने ही लिखी, पर्यावरण संकट को बनाया थीम।
ड्रामा फेस्टिवल में एनसीआर के कई स्कूलों ने हिस्सा लिया। बच्चों को जागरूक बनाना है ड्रामा फेस्टिवल का मकसद। फिल्म धरती का नया प्रोमो रिलीज। हंसते हंसाते सबको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं रणबीर कपूर। बफी की टीम पहुंची इंडियन आइडल के ग्रैंड फिनाले में। प्रतियोगियों संग रणबीर और प्रियंका ने की जमकर मस्ती। उन्मुख चंद का बीए सेकेंड ईयर में प्रमोशन का रास्ता साफ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दखल के बाद मिली राहत। छूटे हुए पेपर्स की परीक्षा दे सकेंगे उन्मुख। सेकेंड ईयर के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के साथ छूटे पेपर देने की मंजूरी। ओवर में तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराया। आईसीसी वनडे रैंकिंग में फिर से हासिल की पहली पोजीशन। पहले बल्लेबाजी करते हुए 47वें ओवर में 211 रन पर ऑल आउट हुई दक्षिण अफ्रीकाई टीम। जवाब में मेजबान ने 2 ओवर पहले ही 6 विकेट खोकर जीता मैच। जॉन मॉर्गन ने 73 और जोनाथन ट्रॉफ ने 71 रन बनाए। इससे पहले दूसरा वनडे जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने छीना था नंबर वन का ताज। अमेरिका के लुसियाना शहर में तूफान के बाद कच्ची पर लौटी जिंदगी। बाढ़ का पानी उतरने के साथ हालात में सुधार। इस हाथ से पहले कटरीना तूफान के कहर से हुई थी तबाही। शहर के कई रिहायशी इलाकों में कराया गया था इलाकों को खाली। दक्षिणी चीन के दाजू इलाके में चक्रवाती बाढ़ से शहर में तबाही। गलियों में घुसा पानी। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बलवान टाइफून के चलते चीन में चांगबाई की तियानची झील में ऊंची ऊंची लहरें। चांगबाई पहाड़ पर बनी है क्वेटर झील। 2500 मीटर की ऊंचाई पर बनी झीलों में लहरें देखकर सभी हुए हैरान। पहली बार दिखा ये अचरज भरा नजारा। फिलीपीन के पूर्व समुद्री इलाके में 7.6 तीव्रता का भूकंप। सुनामी की चेतावनी जारी की गई। भूकंप के बाद सुनामी का खतरा। फिलीपीन, इंडोनेशिया, ताइवान और जापान को अलर्ट किया गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र फिलीपींस से पूर्व में 33 किलोमीटर की गहराई में। अमेरिका में न्यू जर्सी के एक शॉपिंग मॉल में बंदूकधारी का हमला। 3 लोगों की मौत की आशंका। पुलिस के जवाबी हमले में मारा गया हमलावर। शॉपिंग मॉल में मौजूद थे कई लोग।